अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ नौमान अहमद सिद्दीकी एंड वंस अगेन फ्रॉम अंसारियंस अकेडमी। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है पीछे वीडियोस में हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी हैं और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा जर्नल एंट्रीज समझ में आया होगा। आज हम उसके बाद का टॉपिक जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, उसके बाद आप लेजर बनाते हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस। याद रहे एक दफ़ा फिर कि अगर आपने जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक की, तो आपका जर्नल लेजर में वो मिस्टेक कैरिड फॉरवर्ड होगी। सही है, वो मिस्टेक यहाँ पे भी आएगी और उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस जो कि टाई होना होता है, बैलेंस आना होता है बराबर, वो नहीं आ पाएगा। सही है, तो आज हम बेसिक सवाल, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल जर्नल एंट्रीज का करेंगे, उसी में हम लेजर भी बनाएंगे और उसी में हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। सही है, तो आए पेज नंबर 25 मेरे क्वेश्चन बैंक का, पे जो सवाल आ रहा है, पहला सवाल वो हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ते हैं सवाल। लिखा हुआ है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर एहसान अलीम हु इज अ सोल मर्चेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018। मतलब देखें, सवाल की जो जर्नल एंट्रीज है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल मैंने रखा है ताकि आपको मेन मकसद जो है वो है लेजर और ट्रायल बैलेंस समझाना। मेन मकसद, वन सेकेंड आई रिपीट, जो मेरा मेन मकसद है वो आपको जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस का सिखाना। सही है, तो इस सवाल में जो एंट्रीज हैं, वो बहुत ही आसान है। आए सवाल को स्टार्ट करते हैं और आसान आसान एंट्रीज हैं हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, इन्वेस्टेड कैश रुपीज 88,000 इनटू द बिजनेस। क्या एंट्री बनती है सर इसकी? अच्छा, एंट्री का हम पूरा फॉर्मेट भी बना लेते हैं एक, ताकि जो है सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने बंदे का नाम लिखना है। लेट्स से मैं ये स्पेस आपके सामने एंट्रीज बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लेजर के अकाउंट्स बनाता रहूँगा ताकि आपको साथ साथ जो है एंट्रीज भी दिखती रहे। नाम लिख देते हैं हम बंदे का, मिस्टर एहसान। सही है, और उसके बाद जर्नल और फॉर द मंथ ऑफ दो हजार अट्ठारह। सही है, अच्छा मैं यहाँ पे नरेशंस नहीं बनाऊंगा, मैं एंट्रीज की नरेशन यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को नरेशंस बनाना आती हैं, क्योंकि हमने पीछे सवालात में देखा है नरेशंस बनाना। सही है, तो आई होप आपने वाली वीडियोस मेरी देखी होंगी और आपको नरेशन बनाना बहुत अच्छे से आता है। पहली एंट्री, इन्वेस्टेड कैश रुपीज 88,000 इनटू द बिजनेस, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट विद अमाउंट। सर नरेशन बनेगी तो क्या बनेगी? टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर एहसान इनटू द बिजनेस। सही है, एंट्री नंबर टू, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। अकाउंट बोले या क्रेडिट बोले, इसका मतलब है आपने गुड्स मतलब वो सामान, जो आपको मार्केट में बेचना था वो आपने खरीदा है उधार पे। अकाउंट या क्रेडिट का अकाउंटिंग में मतलब होता है उधार। सही है, यहाँ पे एंट्री बना देंगे परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट विद द अमाउंट 8,000। सही है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, बहुत ही आसान एंट्री है। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन कैश। अब आपने सामान खरीदा है कैश देकर, आपने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट एंड दिस टाइम कैश क्रेडिट नॉट अकाउंट्स पेबल। सही है, उधार पे नहीं खरीदा आपने, कैश पे खरीदा है। अमाउंट लिख देंगे हम 4,000। सही है, उसके बाद लिखा हुआ है विड्रू रुपीज 3,000 फॉर पर्सनल यूज। सर जब भी पर्सनल यूज का नाम आता है हमारी निगाहें जाती हैं ड्राइंग की तरफ। सही है, हम यहाँ पे क्या डेबिट करेंगे? ड्राइंग और कैश क्रेडिट विद द अमाउंट 3,000। सही है, उसके बाद पेड रेंट ऑफ द शॉप रुपीज 1,800। हम यहाँ पे एंट्री बना देंगे
रेंट एक्सपेंस डेबिट, सही है, बाय डिफॉल्ट हम इसको एक्सपेंस अज्यूम कर रहे हैं, और कैश क्रेडिट, सही है। अब देखें जो हमारा मेन काम था वो ये नहीं था, जनरल एंट्रीज हमारा मेन काम नहीं था, हम जनरल एंट्रीज पीछे सवालात में देख चुके हैं, हमारा जो मेन काम था आज की इस वीडियो का जो मेन मकसद था वो था हमारा जर्नल लेजर, सही है, वो था हमारा जर्नल लेजर जो मैंने टी फॉर्म में एक चीज़ बनाई है, थोड़ी देर में देखते हैं अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। देखिए जर्नल लेजर में अगर प्रेजेंटेशन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपने लिखना है मिस्टर एहसान, सही है, उसके बाद आप लिखेंगे जर्नल लेजर, और आप लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018, सही। अब यहाँ पे एक चीज देखें जरा, जो है हमने जो एंट्रीज बनाई थी, आपके सामने एंट्रीज बनी हुई आ रही हैं, सही है, आपके सामने एंट्रीज यहाँ पे ये बनी हुई हैं। देखें एंट्रीज में कितने टाइटल यूज हुए, अकाउंटिंग के हेड्स होते हैं 5, सही है, उसके कितने टाइटल यहाँ पे यूज हुए, सबसे पहले आपने ये काउंट करना है। लेट्स से कैश को हमने कहा नंबर 1, कैपिटल हमने कहा नंबर 2, परचेजेस हमने कहा नंबर 3, अकाउंट्स पेबल हमने कहा नंबर 4, फिर कैश को हम कहेंगे नंबर 5, नहीं, कैश को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, सही है, कैश को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, डबल काउंटिंग नहीं करनी। सेल्स पे आते हैं, सेल्स पे नंबर 5, उसके बाद परचेजेस नंबर 6, नहीं, परचेजेस ऑलरेडी काउंट हो चुका है, परचेज के बाद दोबारा आ रहा है कैश, तो कैश को काउंट करेंगे, नहीं, कैश काउंट हो चुका है। अब हम ड्राइंग को लेंगे 6, और ड्राइंग के बाद रेंट एक्सपेंस नंबर 7। वंस अगेन आपको बताऊं, देखें जो जर्नल लेजर है वो हम टी अकाउंट फॉर्म में बनाते हैं, टी, बिल्कुल टी, टी शर्ट वाला टी हमने यहां पे बनाया हुआ है, सही है, टी। हमें इस पे जाने से पहले जो हमने जर्नल एंट्रीज बनाई होंगी, उसमें कितने अकाउंटिंग के टाइटल यूज हुए, हमने उसको काउंट करना है। हमने अकाउंटिंग कितने टाइटल यूज किए, कैश, कैपिटल, परचेजेस, अकाउंट्स पेबल, सेल्स, ड्राइंग, रेंट एक्सपेंस, किसी भी टाइटल को 2 दफा काउंट नहीं करना है। कितने टाइटल हो यहाँ पे 7, उतने हमने टी अकाउंट्स बनाने हैं, मतलब इस सवाल में हमें 7 टी अकाउंट्स बनाने होंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश का अकाउंट, और कैश का अकाउंट ही थोड़ा सा लंबा होता है और बच्चों को इसी में थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। आए यहाँ पे हम जो है कैश का अकाउंट बनाते हैं। कैश क्या है एसेट, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो बाय डिफॉल्ट कैश के अकाउंट में अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो वो अपने इंक्रीजिंग साइड पे होता, ये साइड होती है डेबिट और ये साइड होती है क्रेडिट। कैश के केस में डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। तो अगर कोई ओपनिंग बैलेंस मतलब बीडी होता तो यहां पे होता, बट इस सवाल में नहीं है। आ देखते हैं पहली एंट्री में कैश क्या हुआ। पहली एंट्री में हमने एंट्री बनाई कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैश क्या हुआ डेबिट। अमाउंट लिख देंगे आप डेबिट कॉलम में। कैश क्या हुआ डेबिट, तो हमने अमाउंट डाल दी डेबिट कॉलम में। वजह क्या बनी, क्रेडिट क्या हुआ कैपिटल, हमने लिख दिया कैपिटल। नाम लिख देंगे कैपिटल का, अमाउंट लिख देंगे डेबिट कॉलम में, और यहां लिख दिया पहली एंट्री में हुआ ये, सही है। दोबारा देखते हैं, देखिए हमने कहा कैश क्या हुआ डेबिट, तो जो अमाउंट थी वो हमने लिख दी डेबिट कॉलम में, और वजह क्या लिखी हमने, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ। आगे चलते हैं एंट्री नंबर 3 में। हम घूमते हुए हम सिर्फ कैश को ढूंढ रहे हैं, हम क्योंकि कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो हम सिर्फ कैश को ढूंढेंगे। कैश पे आए हम दोबारा, कैश हमें दिखा एंट्री नंबर 3 में,
कैश अमाउंट डेबिट कॉलम पे लिखा हुआ है कैश, डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है कैश अमाउंट कितनी है 5000, अमाउंट लिख देंगे डेबिट कॉलम में, वजह क्या बनी, क्रेडिट क्या हुआ, सेल्स। एंट्री नंबर 3 है, इसको एक बहुत ही ग्राउंड फ्लोर एग्जांपल लेके समझते हैं। देखें ये जो कैश है इसके घर वालों ने इसके ऊपर लगाई हुई है पाबंदी के घर से बाहर नहीं निकलेगा, सही है। ये कैपिटल, ये सेल्स, ये परचेजेस, ये सब जो हैं ये बदमाश बच्चे हैं, सही है, ये मोहल्ले के बदमाश बच्चे हैं, शरीर बच्चे हैं, सही है। इसके घर वालों ने, इसके अम्मी ने इसको पाबंदी लगाई हुई है कि घर से बाहर नहीं निकलेगा, सही है। कैश घर से बाहर निकला और जो है डेबिट साइड पे था, कहाँ था, डेबिट चौरंगी पे था, और किसके साथ घूम रहा था, कैपिटल के साथ। तो कैश के घर पे रिपोर्ट जाएगी कि कैश जो है वो डेबिट साइड पे घूम रहा है, कितने पैसे लेके घूम रहा है, 88,000, और किसके साथ घूम रहा है, कैपिटल। देखिए बात हो रही है कैश की, तो रिपोर्ट करते हुए हम दूसरे बंदे का नाम बताएंगे किसके साथ घूम रहा है कैश, सही है। हम एंट्री नंबर 3 पे गए, तो एंट्री नंबर 3 में जब कैश के घर रिपोर्ट गई कि कैश जो है वंस अगेन डेबिट साइड पे घूम रहा है, कैश जो है वंस अगेन डेबिट साइड पे घूम रहा है, अब किसके साथ घूम रहा है, कैश सेल्स के साथ, सही है। अब फिर एंट्री नंबर फोर में कैश के घर पे रिपोर्ट गई कि कैश जो है वो क्रेडिट साइड पे घूम रहा है, कैश जो है वो क्रेडिट साइड पे घूम रहा है, हम अमाउंट लिख देंगे क्रेडिट साइड पे कितनी, और इस दफा कैश किसके साथ घूम रहा है, परचेजेस के साथ, एंट्री नंबर 4, सही है। 5 पे आया वंस अगेन, अब कैश कहां घूम रहा है, क्रेडिट साइड पे घूम रहा है, कितने अमाउंट लेके घूम रहा है, 3000 रुपए, इस दफा किसके साथ घूम रहा है, ड्रॉइंग के साथ, सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर कैश दिखा क्रेडिट पे, फिर दिखा कैश किस पे, क्रेडिट साइड पे, इस दफा कितने पैसे लेके घूम रहा है, 1800, किसके साथ घूम रहा है, रेंट एक्सपेंस, और हम नंबर डाल देंगे 6, सही है। अब देखिए आप दोनों साइड्स का टोटल करें, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, आए टोटलिंग करते हैं, डेबिट साइड का टोटल बनता है 93,000, और जो है आपका क्रेडिट साइड का टोटल क्या बनता है सर, क्रेडिट साइड का टोटल बनता है आपका 8,800, सही है। आप अपने पास भी जो है कैलकुलेटर पे इसको करके देखें, सही, आप अपने पास भी इसको कैलकुलेटर पे करके देखें, देखें कौन सी साइट पे अमाउंट कम है। लेट से आप इसको एक एग्जांपल ले लें, इस बंदे के पास, एक डेबिट बंदा है, क्रेडिट बंदा है, इस बंदे के पास है 93,000 रुपीज और इस बंदे के पास है 8,800, किसके पास कम है, किसके इन दोनों के मुकाबले किसके पास पैसे कम है, इसके पास कम है, कितने कम है, इसके पास कम है 84,200, कैसे निकाले आपने, 93 माइनस दिस अमाउंट, आंसर आया 84,200, आंसर आया 84,200, ये 84,200 क्या है, कैरीड डाउन बैलेंस, 2 मिनट होल्ड डाउन रखे, अभी आपको समझ में आएगा कि ये कैरीड डाउन बैलेंस क्या होता है। और इसके आगे हम मंथ की आखिरी डेट डालते हैं, लेट्स से जुलाई, तो जुलाई की लास्ट डेट क्या होगी, 31 जुलाई, सही है। उसके नीचे आप क्या करेंगे, डबल क्लोज, मेक श्योर ये डबल क्लोज आपका बिल्कुल आमने सामने हो, और डबल क्लोज आप करेंगे मैक्सिमम अमाउंट पे, 93,84 प्लस दिस, आपका आंसर बन जाएगा 93,000, सही है। और यहां पे जो सीडी था वो अपोजिट साइड पे आके बन जाएगा बीडी, और बीडी बनेगा नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट जुलाई के बाद क्या आता है, जून जुलाई अगस्त, अगस्त की फर्स्ट,
84,200। आई रिपीट करते दोबारा, देखिए हमने सारी ट्रांजेक्शन को पुट किया यहाँ पे, उसके बाद हमने दोनों साइड्स का टोटल किया, इन दोनों को सम किया, हमने इन दोनों को सम किया, इन दोनों को सम किया, इस साइड का टोटल बना 93,000, इस साइड का टोटल बना 93,000, और जब हम इस साइड का टोटल करना है, इस साइड का टोटल बनता है 8,800, सही है। अब हमने देखना है कौन सी साइड पे पैसे कम है, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे पैसे कितने कम है, 84,200। तो जो यहाँ पे पैसे कम थे उसको हमने नाम दिया कैरीड डाउन, और वो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट साइड पे आके बीडी बैलेंस बन गया 84,200। जो डबल क्लोज था वो बिल्कुल आमने सामने होगा, अब देखें ये तो मैंने आपको एक ग्राउंड फ्लोर पे एग्जांपल लेके समझा दिया कि आप चेक कर लें कौन साइड पे पैसे कम है। अब इसके अकाउंटिंग लॉजिक देखते हैं। देखें आपके पास पूरे मंथ में, कौन से मंथ, जुलाई में कितना पैसा आया, ये वाला आया, क्यों आया, क्यों बोल रहा हूं मैं, कैश के केस में डेबिट का मतलब इंक्रीज, बढ़ना, आया पैसा, आया सेल्स से भी पैसा, जब आपने सामान बेचा तो पैसा आया, पूरे महीने में आवे कितना हुआ 93, और डिक्रीज मतलब माइनस, गया कितना, आया इतना गया इतना, आया इतना गया इतना। तो अभी इस वक्त आपकी ड्रॉस में, आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में कितने पैसे होंगे, और जब आप आज 31 जुलाई को जब दुकान बंद करके जाएंगे और नेक्स्ट डे जब दुकान में वापस आएंगे, बिजनेस में वापस आएंगे, तो क्या इतने ही पैसे होंगे, जी हाँ। तो ये भी बन गया नेक्स्ट डे का ओपनिंग, नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस, सही है। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको कॉपी करें, हम आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं कैपिटल का। सही, अब हम बना रहे हैं अकाउंट कैपिटल का। वंस अगेन, टी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड का मतलब डेबिट, राइट हैंड साइड का मतलब क्रेडिट। कैपिटल जब बढ़ता है, जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। इसका मतलब कैपिटल के केस में क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब ऐसी है। आए कैपिटल को ढूंढते हैं, जब कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ कैपिटल के घर पर रिपोर्ट करेंगे। कैपिटल कहां मिला हमें, क्रेडिट साइड पे। कैपिटल कहां मिला हमें, क्रेडिट साइड पे। कैपिटल कहां मिला हमें, क्रेडिट साइड पे। कितनी अमाउंट के साथ मिला हमें, 80, और किसके साथ घूम रहा था, उसके बाद क्या कैपिटल कहीं दिखा हमें पूरे सवाल में, नहीं दिखा। तो इस साइड का टोटल क्या बना, 88,000, और इस साइड पे कुछ भी नहीं था। तो कैरी डाउन का दो बंदे हैं, क्रेडिट के पास है 88,000 रुपीस और डेबिट के पास है 0, तो इसके पास कम है, कितने कम है, पूरे के पूरे। ये बन गया कैरी डाउन बैलेंस। उसके नीचे हम क्या करते हैं, डबल क्लोज, डबल क्लोज हमेशा, डबल क्लोज हमेशा आमने सामने। और जो सीडी था वो नेक्स्ट साइड पे आगे क्या बन जाएगा, बीडी, ब्रॉट डाउन बैलेंस विद द सेम अमाउंट 88,000। सीडी के आगे हम डेट डालते हैं मंथ की लास्ट, मतलब 31 जुलाई, और बीडी के आगे हम डालेंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट, मतलब 1 अगस्त, सही है। आगे चलते हैं और जो है दूसरे अकाउंट्स बनाते हैं। दो अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हो गए, हम आते हैं परचेजेस के अकाउंट की तरफ, वंस अगेन देखें, टी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड का मतलब डेबिट, राइट हैंड साइड का मतलब क्रेडिट। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट का मतलब यहां पे प्लस, क्रेडिट का मतलब यहां पे माइनस।
अब हम परचेजेस को ढूंढ रहे हैं, अब हम परचेजेस को ढूंढ रहे हैं, परचेजेस हमें दिखा डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट से 8000, किसके साथ दिखा अकाउंट्स पेएबल के साथ, एंट्री नंबर थी 2, सही है। एक चीज और याद रखें, अगर यहाँ पे डेट्स दी हुई होंगी, अगर सवाल में एंट्रीज में डेट होंगी तो हमें यहाँ पे डेट्स डालनी होंगी, सही है। उसके बाद परचेजेस को ढूंढ रहे हैं, परचेजेस का अकाउंट बना रहे तो हम सिर्फ परचेजेस को ढूंढ रहे हैं, हम परचेजेस का अकाउंट बना रहे तो हम सिर्फ परचेजेस को ढूंढेंगे, परचेजेस दिखा हमें। उसके बाद फोर्थ एंट्री में कहां दिखा हमें डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट के साथ 4000, और इस दफा किसके साथ मिला हमें कैश के साथ, सही है। उसके बाद उसके अलावा कोई है परचेजेस हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इस साइड का टोटल कितना बना परचेजेस का 12000, इस साइड पे नथिंग, कमी कहां पर है क्रेडिट साइड पे, सीडी बन जाएगा यहां पे 12000, सीडी के बाद डबल क्लोज, डबल क्लोज शुड बी आमने सामने, और जहां सीडी था उसके अपोजिट साइड पे बन जाएगा बीडी बैलेंस, सीडी के आगे मंथ की लास्ट मतलब 31/7/7 मतलब जुलाई, और 1/8/8 मतलब अगस्त, सही है। आगे बढ़ते हैं और हम जो है अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनाते हैं। वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट, राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कम होती है तो डेबिट, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे प्लस डेबिट साइड पे माइनस, सही है। और आप चाहें तो हर अकाउंट के साथ उसका बीडी बैलेंस भी लिखते जाएं कि अगर बीडी होता तो बीडी अपने इंक्रीजिंग साइड पे होता है, अपने इंक्रीजिंग साइड पे होता है, इंक्रीजिंग मतलब यहां पे, अगर होता तो यहां पे होता, इस सवाल में नहीं है। अच्छा अब हम ढूंढ रहे हैं अकाउंट्स पेबल को, अब अकाउंट्स पेबल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अकाउंट्स पेबल को ढूंढना है, जब अकाउंट्स पेबल की बात कर रहे हैं सिर्फ अकाउंट्स पेबल को ढूंढना है, अकाउंट्स पेबल दिखा हमें एंट्री नंबर 2 पे क्रेडिट साइड पे, कहां दिखा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आ जाए, कितने पैसे के साथ दिखा 8000, किसके साथ दिखा परचेजेस। उसके बाद क्या कहीं दिखा, नहीं दिख रहा, सारी कमी यहां पे सीडी क्रेडिट डाउन कैरी डाउन डबल क्लोज आमने सामने और सीडी के बाद बीडी नेक्स्ट मंथ की पहली और इसी मंथ की लास्ट। देखें सबसे पहले हम करेंगे सीडी, सबसे पहले हम करेंगे सीडी मतलब कैरी डाउन बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद करेंगे डबल क्लोज, उसके बाद करेंगे डबल क्लोज और उसके बाद करेंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस, सही है। सीडी डबल क्लोज ब्रॉड डाउन, सीडी डबल क्लोज ब्रॉड डाउन, सीडी जिस मंथ की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस मंथ की लास्ट डेट आखिरी दिन, और बीडी उसके नेक्स्ट मंथ का पहला दिन, सही है। चार अकाउंट्स हो गए, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब सेल्स के अकाउंट की। वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट रिकॉर्ड, राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट, सेल्स सेल्स रेवेन्यू या इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, मतलब इंक्रीजिंग साइड और डिक्रीजिंग साइड, सही है। अगर बीडी ब्रॉड डाउन बैलेंस इसका होता तो यहां पे होता, इस सवाल में नहीं है, होता तो अपने इंक्रीजिंग साइड पे होता। आए सेल्स को ढूंढते हैं, सेल्स हमें देखिए एंट्री नंबर 3 में कहां पे क्रेडिट साइड पे, कितने से किसके साथ कैश के साथ, सही है कैश के साथ। एंट्री नंबर 3 ये मैं एंट्री नंबर डाल रहा हूं, अगर डेट होती तो यहां पे डेट डालती। उसके बाद क्या सेल्स आपको कहीं दिख रहा है सवाल में,
कहीं भी नहीं दिख रहा। सेम अमाउंट से आपका कैरी डाउन बैलेंस, कैरी डाउन के बाद डबल क्लोज, और डबल क्लोज के बाद सेम अमाउंट से हम कर देंगे ब्रॉट डाउन बैलेंस। सीडी के लिए हम उसी मंथ की डालेंगे लास्ट डेट और बीडी के लिए नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। ये हो गया हमारा सेल्स का अकाउंट। आगे बढ़ते हैं और अब हम बनाते हैं सेकंड लास्ट अकाउंट जो कि हमारा आ रहा है ड्राइंग का अकाउंट। और मैं इसी स्पेस में जो है ड्राइंग भी बनाऊंगा और रेंट एक्सपेंस भी आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ। आप उम्मीद है आप लोग जो है आप लोगों का टी अकाउंट बेहतर समझ में आ गया होगा और छोटे छोटे अकाउंट्स हैं। ड्राइंग क्या है हमारा? कॉन्ट्रा एसेट ऐसी है? नहीं, ड्राइंग हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल है। देखें अपने जो आपने जो हेड्स ऑफ अकाउंट हैं और जो रूल्स ऑफ डेबिटेंड क्रेडिट हैं ये आपको घोल के पी जाने चाहिए अब तक, सही है? अलाउंस फॉर बैड डेट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारा कॉन्ट्रा एसेट है जबकि ड्रॉइंग हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल है। सिर्फ एक कॉन्ट्रा कैपिटल है और वो है ड्रॉइंग, सही है? कैपिटल के हेड्स में वैसे भी एक ही हेड है, एक ही टाइटल है कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, और उसका एक ही कॉन्ट्रा है ड्रॉइंग, सही है? कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, तो ड्रॉइंग बढ़ेगा तो डेबिट। अगर बीडी बैलेंस होता तो यहां पे होता, इस सवाल में नहीं है। आई ड्रॉइंग हमें पांचवी एंट्री में दिखा डेबिट साइड पे, कितनी अमाउंट से? 3000, और किसके साथ? कैश के साथ। कैरी डाउन, डबल क्लोज, आमने सामने सीडी जो था वो बन गया हमारे पास बीडी। सीडी बनेगा 31/7 और बीडी बनेगा 1/8, सही है? उसके बाद हम बना रहे हैं लास्ट अकाउंट। लास्ट अकाउंट हमारे पास किस चीज का आ रहा है? रेंट एक्सपेंस का। रेंट एक्सपेंस से एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट, सही है? इसका मतलब अगर कुछ बीडी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता तो यहां पे होता, इस सवाल में नहीं है। आए 18 नंबर 6 में रेंट एक्सपेंस क्या हुआ? डेबिट हुआ। कितने से? वजह क्या बनी? कैश। 18 नंबर 6 थी हमारे पास, सही है? सेम अमाउंट से कैरी डाउन बैलेंस 1800, डबल क्लोज शुड बी आमने सामने, और जो सी डी था वो बन जाएगा हमारे पास बी डी। सी डी मंथ की लास्ट जगह नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, और बी डी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, सही है? इसके बाद आप लोग जो है इस वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें, हम जो है आगे चलते हैं और आगे जाके लास्ट चीज सवाल की बनाते हैं जो कि है ट्रायल बैलेंस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें जो है कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। मैं इसी जगह में बना रहा हूं, सही है? आपने सबसे पहले जो है सीरियल नंबर लिखना है यहां पे। सर अगर सवाल में जनरल एंट्रीज में, सवाल में जनरल एंट्रीज में अगर डेट दी हुई थी, अगर डेट दी हुई थी तो क्या हम ट्रायल बैलेंस में यहां पे सीरियल नंबर की जगह डेट डालेंगे? नहीं, डेट दी हुई हो या सीरियल नंबर दिया हो आपने यहां पे सीरियल नंबर ही डालना है, सही है? आप क्या करेंगे हेडिंग्स में प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन बहुत ख्याल रखना है आपने यहां पे। सबसे पहले बंदे का नाम, उसके बाद जहां जर्नल लेजर था वहां आपने क्या लिखना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस। क्या लिखेंगे वहां पे? ट्रायल बैलेंस। और ये चीज याद रखें, ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ नहीं बनता, ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ नहीं बनता, ये बनता है एज ऑन जुलाई 31st 2018।
ये एज ऑन बनता है। एज ऑन क्यों बनता है सर? ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं ये एज ऑन क्यों बनता है। आए पहले इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। अब आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल वही है जो हम जनरलिटी से बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल वैसी है, बस यहां पे पर्टिकुलर का कॉलम नहीं है। आपने जर्नल लेजर में कितने अकाउंट्स बनाए थे? 7 अकाउंट्स बनाए थे। उन 7 के 7 अकाउंट्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दें। सबसे पहले आपने बनाया था कैश, कैश लिख दिया। उसके बाद आपने बनाया था कैपिटल, आपने कैपिटल लिख दिया। उसके बाद आपने बनाया था परचेजेस, आपने परचेजेस लिख दिया। उसके बाद आपने बनाया था अकाउंट्स पेबल, आपने अकाउंट्स पेबल लिख दिया। उसके बाद आपने बनाया था सेल्स, आपने सेल्स लिख दिया। उसके बाद आपने बनाया था ड्राइंग, आपने ड्राइंग लिख दिया। उसके बाद आपने बनाया था रेंट एक्सपेंस, आपने रेंट एक्सपेंस लिख दिया। सही है। हर अकाउंट का जहां पे सीडी आया था, जहां पे क्लोजिंग बैलेंस आया था, उसके अपोजिट साइड पे एक बीडी बैलेंस आया था विद द सेम अमाउंट, डबल क्लोज के नीचे दिख रहा होगा आपको। अगर आपने पीछे पेजेस पे किया तो पेज टर्न करके जाके देखें, आपको दिख रहा होगा कैश का बीडी कहां पे आया था, डेबिट साइड पे। कितनी अमाउंट से आया था? 84,200। जी हाँ, क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे ट्रायल बैलेंस हमने लिखा एज ऑन मतलब आज का बैलेंस, अभी इस वक्त का बैलेंस, एज ऑन 31st जुलाई। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या था ट्रायल बैलेंस जनरल लेजर में? 84,200। वही हम यहां पे ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। कैपिटल का क्या आया था? क्रेडिट साइड पे आया था 88,000। परचेजेस का डेबिट साइड पे था 12,000। आप पेज टर्न करके जाके वहां पे देख सकते हैं। अकाउंट्स पेबल का क्या आया था? क्रेडिट साइड पे 8,000। सेल्स का क्रेडिट साइड पे आया था आपके पास 5,000। ड्राइंग का डेबिट साइड पे आया आपके पास 3,000। और रेंट एक्सपेंस का भी आपके पास डेबिट साइड पे आया था 1,800। अगर आपने जर्नल लेजर पूरा सही से कॉपी कर लिया है तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जाके उसको एक दफा रिकॉल कर लें। सबका जो हमने क्लोजिंग ब्रॉट डाउन बैलेंस था वही लिखा है। जिसका डेबिट साइड पे आया उसका डेबिट साइड पे लिखा है, जिसका क्रेडिट साइड पे आया उसका हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है। उसके बाद हम करेंगे टोटल, इसका भी क्लोजिंग, दोनों का जो टोटल बैलेंस है वो सेम आना चाहिए है। अगर आप यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो आपके पास इसका टोटल गालिबन आ जाएगा 101,000। सही है, आपके पास टोटल बैलेंस आ जाएगा। और ये हो गया हमारा पूरा सवाल कंप्लीट। हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज भी की जो अब तक आपके सामने है, उसके बाद हमने लेजर किया और हमने किया ट्रायल बैलेंस। अगर इसमें आपका कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे के दिए गए व्हाट्सएप नंबर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सही है, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।